गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 35 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 15 एंड 6। आप कंसीडर करिए दो नंबर्स 15 एंड 6 को। यू नो दैट व्हेन वी डिवाइड 15 बाय 6 वी गेट द क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर 3। आपको पता है जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें क्वेश्चन 2 मिलेगा एंड रिमाइंडर 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 6 टू 12 प्लस 3 15। ठीक है, ठीक, तो रिमाइंडर 3 है, नहीं रिमाइंडर 3 जो है आपका वो लेस है देन है द डिवाइजर 6 से। सिमिलरली अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें क्या मिलेगा, 6 टू जा 12 और ये में प्लस 0, मतलब रिमाइंडर क्या है आपका यहाँ पे 0। तो हम ये कह सकते हैं 12 जो है इज अ मल्टीपल है ऑफ 6 का और 6 जो है फैक्टर है 12 का। ठीक है, सिमिलरली आप ये एग्जांपल देखिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे x से, ठीक, तो सबके डिनोमिनेटर में x आएगा अलग, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल करने के बाद ये बचेगा 2x² प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। तो जब हमने डिवाइड किया इसको x से तो हमें क्या मिला, कोशेंट क्या मिला हमें 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो x है कॉमन है इन तीनों टर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं एज x इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, वी से दैट x एंड 2x² प्लस एक्स प्लस 1 जो है फैक्टर्स हैं इसके एंड ये जो है मल्टीपल है x का एंड इसका। ठीक है, आ जाइए बुक के पेज नंबर 36 में। आ जाइए बुक के पेज नंबर 37 में। देखिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से। ठीक है, देखिए जब इस तरह का डिवीज़न करते हैं तो याद रखिएगा जब हमें फर्स्ट नंबर है वो कैंसिल करना होता है टर्म। ठीक है, तो देखिए 3x² है तो यहाँ पे 3x² लाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। ठीक है, कितना आ जाएगा 3x² प्लस एक्स आ जाएगा, सॉरी 3x आएगा, 3x² प्लस 3x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² 3x में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इतना आएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में आएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 3x में x काटेंगे 2x आएगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यहाँ ये उतरेगा आपको माइनस 1। ठीक, अब देखिए x प्लस 1 है इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 2x फर्स्ट टर्म देखते हैं माइनस 2x मिले। देखिए अगर प्लस से करेंगे या माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल होने के बजाय ऐड हो जाएगा, इसलिए हमको माइनस चाहिए। ठीक, तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 से, तो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, यहाँ लिखेंगे ये दो, फिर यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 और प्लस 2 में 1 माइनस करेंगे 1। तो क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया जाते तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे माइनस 2, अगर प्लस 2 से करते तो हम यहाँ लिखते हैं प्लस 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आ गया आपका 3x माइनस 2, रिमाइंडर आ गया आपका 1। आपको ये फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, इन जनरली अगर पी एक्स एंड जी एस दो पॉलीनोमियल हैं इस तरह से कि जो डिग्री पी एक्स जो है ग्रेटर या इक्वल टू है डिग्री ऑफ जी एक्स के और जी एस जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे पॉलीनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एस इस तरह से, कैसे, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एस। ठीक है, आर एस जो है आपका जीरो होगा या डिग्री जो होगी आर एस की स्मॉल होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से, तो हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स जो है आपका डिविडेंड है जी एक्स जो है डिवाइजर है एंड क्यू एक्स कोशेंट है एंड आर एक्स आपका रिमाइंडर है। ठीक है, आप ये एक एग्जांपल देखिए नीचे, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस 1 से। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, देखिए यही वाला है, x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 आएगी, तो जब ये x प्लस 1 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 1, फिर इस जो इक्वेशन दी है सॉरी पॉलीनोमियल दिया है इसमें हम माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 आ रहा है, तो जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी डिवाइड करने पे 1 आ रहा है और इसमें वैल्यू पुट करने पे 1 आ रहा है, तो सेम
रिजल्ट आ रहा है दोनों का, तो हम ये कह सकते हैं सो द रिमाइंडर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग पी एक्स इतना बाई एक्स प्लस वन वो सेम है एज द वैल्यू जो है पॉलीनोमियल पी एक्स की एट द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स प्लस वन में है, दैट इज माइनस वन में, ठीक है। तो मतलब इस तरह डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू सेम आ रही है, और इस तरह उसका जीरो पुट कर रहे हैं उसमें तो भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 38 में, आ जाइए आप पेज नंबर 39 में, रिमाइंडर थ्योरम। लेट कर रहे हैं पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। मतलब पी एक्स क्या है, एक एनी पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर है देन है या फिर इक्वल है वन के, ठीक। एंड लेट करें ए जो है कोई भी रियल नंबर है। अगर हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं अब हम, प्रूफ देखते हैं। लेट पी एक्स जो है आपका एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन है जीरो, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है वन के। सपोज दैट वन पी एक्स जो है डिवाइड किया जाएगा बाई एक्स माइनस ए से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आएगा आपका आर एक्स, दैट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सिंस द डिग्री जो है ऑफ एक्स माइनस ए की वन है एंड डिग्री जो है आर एस की लेस होगी देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से, तो आपको डिग्री जो होगी आर एस की जीरो होगी। दिस मीन्स दैट आर एस जो होगा आपको एक कॉन्स्टेंट होगा से आर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एस इक्वल टू आर होगा, देयर फोर पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर होगा। इन पर्टिकुलर अगर हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में क्या रहेगी, पी ए इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ए प्लस आर। ए में ए माइनस करेंगे जीरो इंटू करेंगे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस आर यानी सिर्फ आर बचेगा, विच प्रूव्स द थ्योरम, जो थ्योरम को प्रूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एग्जांपल नंबर 9 में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। हमको रिमाइंडर फाइंड करना जब इस पॉलीनोमियल को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो देखिए क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को क्या लिख लेंगे, एक्स इक्वल माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स इक्वल टू वन, तो जीरो कितना आ गया इसका वन, तो इस पॉलीनोमियल में वन एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वन की पावर फोर वन ही आएगा, वन की पावर थ्री वन ही आएगा, इसमें टू बचेगा, इसमें वन प्लस वन, तो देखिए वन प्लस वन टू, प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर में टू माइनस करेंगे टू, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया टू, तो टू इज द बाई रिमाइंडर थ्योरम, टू क्या है आपका रिमाइंडर आ गया जब इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से। तो मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम ने आपके डिवीज़न को बहुत इजी कर दिया, उतना लंबा आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया है, आप सीधे जिसको हमको डिवाइड करना है जिससे उसको ज़ीरो निकालिए और इसमें पुट करिए तो आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 2.3 में, पेज नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स एक्स प्लस पाई फाइव प्लस टू एक्स। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब इसको हम डिवाइड करेंगे इन दिए गए पॉलीनोमियल से, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ, थर्ड बताती हूँ एंड फिफ्थ, बाकी के दो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ डिविडेंड लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। फर्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस वन से, ठीक। तो एक्स प्लस वन है तो एक्स की वैल्यू निकालें, प्लस वन है तो आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। देखिए एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस वन का क्यूब होगा तो माइनस वन ही आएगा, प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर तो वन वन ज़ा वन माइनस माइनस प्लस वन आएगा, प्लस थ्री वन ज़ा थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री आएगा प्लस वन, ठीक है।
माइनस वन और थ्री वन ज़ा थ्री आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस वन। अब देखिए प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो पी माइनस वन क्या आया आपका, ज़ीरो आया। तो मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो हम लास्ट में लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, और आर एक्स लिया था ना हमने रिमाइंडर वहाँ पे, तो आर एक्स और लिख सकते हैं हम आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका रिमाइंडर है, या यही लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको मैंने कैसे किया। अब आप देखिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में सिर्फ x दिया है, ठीक, मतलब x के इक्वल टू हम ज़ीरो इक्वेट करते हैं इसमें, कि x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। ये x माइनस वन कैसे आया था, x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू यहाँ क्या है, ज़ीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ज़ीरो प्लस वन। देखिए आपको पता है जहाँ जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ज़ीरो ही आएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, तो पी ज़ीरो कितना आया आपका, वन, मतलब रिमाइंडर आ गया आपका वन। क्या आ गया रिमाइंडर आपका, वन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर, फाइव प्लस टू एक्स के लिए हम इस पॉलीनोमियल को अब डिवाइड करेंगे। फाइव प्लस टू एक्स से तो क्या लिखेंगे हम, फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह पुट करेंगे अब हम माइनस फाइव बाई टू, तो एक्स की जगह आएगा माइनस फाइव बाई टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, यानी माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर है, प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस वन। सॉल्व करेंगे, क्यूब है तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पावर ऑड है ना तो रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, प्लस थ्री इंटू फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू टू ज़ा फोर, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन अपॉन टू प्लस वन। देखिए सारी नंबर्स आ गई आपकी, ठीक है, इसको आप अभी ऐसे लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फाइव जै फिफ्टीन की फाइव कैरी ओवर वन, थ्री टू जै सिक्स प्लस वन सेवन, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन अपॉन टू प्लस वन। अब एट फोर और टू का हम जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है यानी वन, एट फोर और टू का एलसीएम लेंगे तो हमें एट ही मिलेगा, एट को एट से डिवाइड करेंगे वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन को थ्री आएगा, एट को फोर से डिवाइड करेंगे टू, तो सेवेंटी फाइव इंटू टू लिखेंगे, माइनस एट को डिवाइड करेंगे टू से तो टू फोर ज़ा एट होता है, तो फिफ्टीन इंटू फोर प्लस एट को वन से डिवाइड करेंगे एट, और एट वन ज़ा एट, सेवेंटी फाइव टू ज़ा करेंगे तो वन हंड्रेड फिफ्टी आएगा, फिफ्टीन फोर ज़ा कितना होता है, सिक्सटी होता है, प्लस एट अपॉन में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फाइव में ज़ीरो माइनस करेंगे फाइव आएगा, ट्वेल्व में फिर टू बचे कह रहे हैं, ट्वेल्व में से फाइव माइनस करेंगे सेवन बचेगा, ये ज़ीरो हमने उल्टा माइनस कर दिया, हमको इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 150 में 125 माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 25, प्लस माइनस माइनस 60 में 8 माइनस करेंगे बचेगा माइनस 52 बाई 8, फिर 52 में प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन माइनस है, 52 में 25 माइनस करेंगे हम तो माइनस 27 बाई 8, और यही आपका रिमाइंडर है। बाकी इसके सेकेंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री पढ़ाएंगे।